अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं बीबी अजीमी। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप सबका दिली मुरादे पूरा करे, और व्यूअर्स अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज ना करे। मोहताजी बहुत बुरा होता है व्यूअर्स, चाहे वो एक टमाटर का हो या एक प्याज का हो या एक आलू का हो। अल्लाह ताला अपने ख़जानों से आप सबको नवाजे। जी जनाब, आज मैं आपको एक बहुत मज़ेदार यूनिक सा मीठा बता रहा हूँ, जिसे बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और ये बहुत इजीली बन जाता है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। जी, इसके लिए आपको जो कुछ चाहिए होगा वो मैं बता रहा हूँ। आपको आधा किलो दूध चाहिए होगा, फ्रेश मिल्क, और ये है जी ड्राई मिल्क, ये हम लेंगे 1-2 बड़े चम्मच, और ये हमारे पास जैली, हम आधा पैकेट लेंगे, और ये है जी कस्टर्ड फ्लेवर, ये स्ट्रॉबेरी है। आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं एज यू विश, कि आपको जो भी लायक हो। और ये है रंगीन सेवैयाँ, ये हमें चाहिए होंगे। चीनी 1 प्याली चाहिए होगा, और हमें चाहिए होगा कोकोनट पिसा हुआ। तो अब हम इसे कैसे बनाते हैं, आई टेल यू। ओके, तो बहुत इजी है जनाब, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, इजीली ये मीठा बन जाता है। और मीठा बनाते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं मीठे को। इसमें ग्लूकोज और ताकत होता है, जो कि बच्चों को एनर्जी देता है। तो ये है जी हमारा आधा किलो दूध। अब हम इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, बहुत इजी है। चलिए बस अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम मिल्क को ऐड कर लेंगे जी। आधा किलो मिल्क है, ख्याल से डालिएगा कि ये गिरे नहीं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, आधा गिलास हमें पानी नीड होगा ये। तो इसमें पानी ऐड कर लेते हैं, इसमें डाल दीजिएगा ताकि दूध भी ज़ाया ना जाए। मैंने आपसे कहा ना कि हमेशा इसको ज़ाया ना कीजिएगा, बल्कि इसका कदर कीजिएगा। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाजता है बंदों को जो इसका कदर करते हैं। बस हमें इतना ही पानी चाहिए होगा, इससे ज़्यादा नहीं। नाव जो है, अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसमें ये है ड्राई मिल्क, बस 1 बड़ा चम्मच फुल हम इसमें डाल देंगे। इस ओके, ये हमने डाल दिया। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर, वो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि इसे हमने इतना ठीक नहीं करना, इसे पतला पतला सा रखना है, बस इतना सा। ओके, ये डाल देंगे। और जी इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये सेवैयाँ, ये देखिएगा, इसे अच्छा सा हिला लेंगे। हिलाने के बाद हम इसे आंच पे रख देंगे पकाने के लिए। और चीनी जो है, चीनी का एडिशन हम बाद में करेंगे। चीनी विवश कभी भी नहीं डालना चाहिए, दूध के फटने का डर होता है। तो इस ओके नाउ, चलिए इसे अब हम आंच पे रखते हैं। लेट्स गो विद मी, आई टेल यू कि हम इसे कैसे बनाते हैं। इस ओके नाउ, बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। चलिए जी, लेट्स गो। चीनी बस मैंने इसे आंच पर रख दिया है। हाँ, अब आप इसे हिलाते जाएगा, जब हम कस्टर्ड पाउडर डालें तो फिर से बराबर चम्मच चलाते जाएं, ताकि वो गाढ़ा भी ना हो और उसकी कोई गुठली भी ना बने और नीचे भी ना लगे। ओके, देख लीजिए सॉरी, कुछ लोग देगड़ी भी कहते हैं बस, तो सो दैट्स व्हाई मैंने इसे देगड़ी कह दिया। वैसे देगड़ी भगोना भी कहते हैं, है ना, तो हम कुछ भी कह सकते हैं, बट पॉट होना चाहिए पकाने का। तो ये मैं बना रहा हूँ, इसमें मैंने सेवैयाँ भी डाला हुआ है, आपके सामने ही है सब कुछ। चीनी जो है ये आई एम शोइंग यू, इसे जो है हम बाद में डालेंगे। तो ऐसे ऐसे बराबर हिलाते जाइएगा, ओके,
ताकि ये ठीक होने से पहले पहले ख़राब ना हो जाए, नहीं तो फिर इसका सारा जो है ना ब्यूटी और इसका फ्लेवर टेस्टलेस हो जाता है। ये जितना स्मूथ हो ना जितना उतना अच्छा होता है। रोज अच्छे अच्छे खाने बनाते रहना चाहिए और सबको खिलाते रहना चाहिए, अच्छे अच्छे काम भी करते रहना चाहिए और एक अपना ज़ुबान को भी बस कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो हाथ और हमारी ज़ुबान है ना इसी के बारे में अल्लाह ताला ने पूछना है। बेजा ज़ुबान चलाना और किसी की बेइज्जती करना और किसी को हाथ से तकलीफ़ पहुँचाना बहुत गलत बात है, बल्कि अपने हाथों से फ़ायदा पहुँचाइए लोगों को, जितना हो सके लोगों के काम आइए, खिदमत खल कीजिए। अल्लाह ताला को बेहद पसंद है जो बंदे खिदमत खल करते हैं, अल्लाह ताला उनको दोस्त बना देता है। दुनिया जैसे काम करने चाहिए, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, इंसान कब कहाँ किस वक्त इस दायरे फानी से कूच कर जाए। तो अच्छा यादें छोड़ के जाना चाहिए इंसान को, ताकि अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का, अपना फैमिली का ख्याल रखिए। ओके जी, जिस तरह भी आपसे हो सके ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह के लिए भी बस, बंदों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए हर काम, अल्लाह के लिए। जब इंसान बंदों को देखता है ना तो फिर उसका दिल नहीं चाहता कोई काम करने को, लेकिन जब वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए चाहता है ना तो वो सब कुछ कर भी सकता है। देखिए मैं थोड़ा सा आँच तेज कर रहा हूँ ताकि ये अच्छा सा हो जाए। और भी बस मैं अपने तमाम यूट्यूबर्स जितने भी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो हैं एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड। ओके, एक दूसरे का हेल्प कीजिए, एक दूसरे का चैनल जो है आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह से आप बहुत जल्दी आप होंगे, एक दूसरे का हेल्प कीजिए। ओके, तो अच्छे उनको भी आप आगे ले जाइए और आप भी आगे जाइए, तो एक ही तरीका भी है आपका नेकी करने का, नेकी कमाने का। तो मेरे नज़दीक तो ये बहुत बड़ा नेकी है मिस कि चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना आप आपस में कीजिए यूट्यूबर्स। ओके, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, न्यू हैं और हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो ज़रूर इस पे जो है एक्टिव ऑन करें। ये मैं कोई ऐसा वैसा बात नहीं करें, एक अच्छा बात आपको बता रहा हूँ कि आप सब एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बन जाइए। ये देखिए मिस ये ठीक होना शुरू हो गया है। हाँ, तो आप चीनी जो है चेक कर लीजिएगा, आप तेज़ खाते हैं लाइट खाते हैं, बट इसमें मीठा तो सब तेज़ होना चाहिए, जितना मीठा तेज़ होगा ये उतना मज़े का। तो आई थिंक तो के पकने के करीब है ये जी, ये देखिएगा। लावली, गुड। दैट्स इट। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे, तो आप थोड़ा सा शुगर डाल के चेक लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज ज़्यादा ना हो जाए। तो ऐसे ठंडा होके इसका शुगर जो है थोड़ा लेवल कम हो जाता है, तो उसे तेज़ ही डालेंगे ताकि इसका शुगर लेवल जो है अप रहे। ओके, इसका टेस्ट ही चीनी से बनता है, ये देखिएगा जी। बट मैं फिर भी इसे चख लूँगा, ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो, आप भी चख लीजिएगा, मेरे बताए वाले पे प्याली पे ना जाइएगा। ओके, आप अपना चेक कर लीजिएगा जी। जी जनाब, इस रेडी नाउ। ओके, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और अब हम जेली बनाएंगे। लावली, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसे ऐसे ही रखना है, एक दो जोश आ जाए, आप भी एक दो जोश इसके कर लीजिएगा ताकि पक्का यकीन हो जाए कि अब ये फटेगा नहीं। जी ओके, ये देखिएगा, वाओ अमेजिंग। यार मेरा चम्मच बहुत हॉट हो गया है, आई डोंट नो व्हाई, तो मैंने जल्दी में चम्मच बड़ा भी नहीं उठाया, तो मैंने यही चम्मच ले लिया, मैंने कहा इसी से ही जो है मिल कर भी
अंदाजा हो जाएगा ट्रायल मील का। इस ओके जी, ये कुक हो गया है। तो ओ नो इट्स हॉट, ओ माय गॉड, जी व्यूअर्स ये कुक हो गया है। ओके अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और अब मैं आपको जेली बताता हूँ कि उसे किस तरह बनाना है। इस ओके नाउ, मैंने आंच को बंद कर दिया। ओके जी देखिए व्यूअर्स कितने ठीक हो गया ना, ये देखिएगा ज़बरदस्त बन गया। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। लेट्स सी, ये देखिए, और ये ठंडा होने पर और भी ज़्यादा ठीक हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इसको ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर से नहीं पकाना, बस जितना मैंने बताया आपने इतना ही पकाना है, इसको बाद में हम प्रिपेयर करते हैं मज़ीद। व्यूअर्स अब हम जेली बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हमें जेली कैसे बनाना है। आधा पैकेट हमें जेली चाहिए होगा, तो आधा पैकेट जेली आपको दिखा रहे हैं ये मेरे छोटे फ्रेंड। तो मकन आप दिखाएंगे आधा पैकेट जेली? हाँ जी, निकाल के दिखाइएगा। गुड, अब हम इसे डाल देंगे इस पॉट के अंदर। मकन आप डाल देंगे, ख्याल से केयरफुली के नीचे ना गिरे, अच्छी तरह सारा डाल देंगे। आधा पैकेट है जी, हम आधा सारा डाल देंगे। जी व्यूअर्स अब मेरा छोटा फ्रेंड जो है आधा गिलास पानी डालेगा, आप दिखाएं आधा गिलास पानी, नीचे थोड़ा करें जी, दैट्स इट, आप डाल दो इसमें पानी, सारा डाल देंगे। गुड, वाओ, अब हम इसे पका लेंगे। अच्छा सा गिराना नहीं, आप हिलाओगे गिरा दोगे, एक दफा के हाथ से केयरफुली हिलाओ, हिलाओ नहीं अब इसको आंच चले जी, बस बस अब व्यूअर्स मैंने इसको आंच पे रख दिया जेली को। अब हम इसको हिलाते जाएंगे, तो ये हिलाते हिलाते ही अच्छा सा पक जाएगा। इसको थिक बनाना है, इसको ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि हमें गाढ़ा सा जेली चाहिए। तो आंच में तेज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, जस्ट लाइक दिस। बस ये ऐसे पक जाता है जी, जो बनाएगा ये मीठा, बच्चे बहुत लाइक करते हैं जी, बच्चों का फेवरेट है ये। और आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, कस्टर्ड का भी कोई सा फ्लेवर जो आपको लाइक हो, या बच्चे जो लाइक करें, या बच्चों का जो डिज़ायर हो आप उसके मुताबिक क्यों नहीं बना सकते। ये बहुत ही मज़ेदार डिश है और बच्चों के नाम से हो जाता है। तेरी से भी चला दे। ये देखिए पकने लगा है, बस अब ये थोड़ा सा पकेगा, थोड़ा सा टेस्ट रखेंगे, जस्ट लाइक दिस। साथ में मेरे छोटे फ्रेंड्स भी होते हैं अक्सर मेरे रेसिपीज में जी, तो आप माइंड ना क्या कीजिए, इनको लाइक क्या कीजिए, ये बड़ा खुश होते हैं मेरे साथ काम करते हुए, मैं हेल्प करते हैं, हेल्पिंग हैंड है जी। हर कोई कहता है कि मैं तेरी मदद करूँगा, मैं तेरा मदद करूँगा, बट सब करते हैं मेरा मदद। इनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनको लंबी उम्र दे, इनको खुशियाँ दे, ये मुझसे बहुत लव करते हैं जी। मेरे छोटे छोटे से क्यूट से फ्रेंड हैं ये, मुझसे अच्छा बना लेते हैं, मुझे कहते हैं कि बेबी तुझे बनाना नहीं आता, हम तुझे बना के देंगे। ये देखिए जी पक रहा है, ये बच्चे भी पता नहीं क्या बनाते कर रहे हैं। ये देखिए बस इसको अच्छा सा करना है, थोड़ा सा पकाना है और गाढ़ा सा बनाना है। अच्छा अक्सर लोग जो है उस जेली में बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो वो पानी से भी अच्छा नहीं बनता। मैंने जितना पानी बताया आधा पैकेट में इतना पानी सेट रहता है जी, बस ये कुक हो गया है जी। तो अब हम इसे बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अच्छा इसे कुछ देर आंच पे भी रख कर आप आंच बंद करके भी इसे हिलाते रहिएगा ताकि ये अच्छा सा पक जाए, क्योंकि हॉट होता है पॉट काफ़ी देर तक,
काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो आप काफ़ी देर तक इसे यूँ हिलाते रहिएगा। तो जी जनाब इस रेडी आओ आके जी, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम उस डिश को कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपको फाइनली जो फाइनल टच है शो कर दूंगा। फाइनल टच फाइनली फाइनल टच, ये देखिएगा जबरदस्त। जी व्यूअर्स आज जेली को छुरी की मदद से यूं कट कर लीजिएगा यूं, और इसके ये देखिए जबरदस्त हो गया जी कटिंग करके। तो अब इसके बाद आप चम्मच से लेकर ना जी तो इसके साइडों पे लगाते चाहिए कभी, सीधा से आपने सख्ता बनाना है, बिल्कुल भी नरम नहीं बनाना। जितना मैंने आपको पानी बताया आपने उतना ही यूज करना है, और पतला जो जेली है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। स्वीट डिश के लिए हमेशा सख्त जेली अच्छा रहता है, आइसक्रीम में भी इसी तरह का जेली अच्छा रहता है। बहुत मजे का डिश है ये, बच्चे बहुत लाइक करते हैं। जरूर बनाइएगा सेम इसी तरीके से, और कस्टर्ड को कभी भी गाढ़ा ना कीजिएगा, क्योंकि कस्टर्ड गाढ़ा जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूध की जितनी भी डिशेज हैं उनमें दूध ज़्यादा ही अच्छा लगता है, विदाउट दूध या कम दूध बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। तो सेवैयाँ बनती ही मिल्क से हैं, ये आधा पैकेट जेली है जी और आधा किलो दूध है आपके सामने। जी भी बस इस पर इतना खर्च भी नहीं आता और बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं। और बाकी रह गया ये हमारा कोकोनट, जितना ज़्यादा कोकोनट होता है उतना ही मज़ा आता है जी, अच्छा लगता है। फाइनल टच फाइनली फाइनल टच, ये देखिएगा जबरदस्त।